A warm welcome to all of you in ITLS Academy. आप सभी लोगों का ITLS Academy में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पेस्टिसाइड रेगुलेशन सेफ्टी लॉस के बारे में डिस्कस किया था और आज इसी लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हुए हम पेस्टिसाइड रेगुलेशन के कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। चलिए अब अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं पॉइजनिंग एंड फर्स्ट एड की पॉइजनिंग और फर्स्ट एड क्या होती है। सिम्टम्स ऑफ पेस्टिसाइड्स की पेस्टिसाइड्स के सिम्टम्स क्या है। पॉइजनिंग, नोन द पॉइजनिंग सिम्टम्स ऑफ द पेस्टिसाइड यू यूज, रीड पेस्टिसाइड्स लेबल फॉर सिम्टम्स। इफेक्ट फ्रॉम पेस्टिसाइड पॉइजनिंग वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड आर ऑफन हार्ड to recognize. Some poisoning symptoms are headache, tiredness, nausea, dizziness, irritation of skin, noise or throat, blurred vision, tiny pimples, trembling, pre-respiration, difficulty breathing, vomiting and unconsciousness. Call a poisonous control center or doctor immediately if you suspect poisoning from following their instruction. देखिए, जो पॉइजनिंग होती है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जैसे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मतलब अगर एक कोई पर्सन जिसमें हेडेक हो रहा है तो मे बी दूसरे पर्सन में ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो, तीसरे में वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो, चौथे में विजन की प्रॉब्लम हो। तो इस टाइम से जितने भी पॉइजनिंग जो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग होती है उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और जो जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं हमारा हेडेक हुआ, ट्राइडनेस हुआ, नोसिया हुई और ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज हुई, अनकॉन्शियसनेस हुई। तो ये सारी डिफिकल्टीज होती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए और वो जो इंस्ट्रक्शन दे उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, पॉइजन कंट्रोल सेंटर्स ऑफ पॉइजन। Control centers are open 24 hours a day. They give first aid information and treatment for poisoner. The number of poison control center in the front of the phone book under the emergency. First aid. Make sure you and other people working on a farm know what to do in case of emergency. Consider taking a first aid course and CPR course. कंट्रोल सेंटर फॉर 24 आवर्स इन अ डे। जितने भी हमारे जो कंट्रोल सेंटर्स होते हैं वो हमारे 24 आवर्स अवेलेबल होने चाहिए और वहां पे जितने भी फर्स्ट एड की सारी जितने भी फर्स्ट एड के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी जितनी भी फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब अगर उनको जितनी भी जो भी हमारे सेंटर्स के फोन नंबर्स होने चाहिए वो भी हमारी एक डायरी में नोट डाउन होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी फर्म होती है वहां पे फर्स्ट एड की भी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि जिससे अगर बाई चांस कभी किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसे इमीडिएटली फर्स्ट एड दे पाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ सम हैज बीन पॉइजन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, मूव द विक्टिम फ्रॉम एरिया ऑफ कंटामिनेशन, चेक it to victim in breathing. If breathing is stopped, it is very weak, clean the airway and beginning artificial respiration. Continue until the victim is breathing normally or until medical help arises. When doing the mouth to mouth resuscitation, use the plastic mask to protect yourself from poisonous. Call the poisonous control center or ambulance. Be ready to tell them pesticide name, active ingredient and PCP Act registration number. Unless the poisonous control center or doctor tells otherwise, follow the procedure list, blow them and transfer the patient and nearby hospital. अगर मान लीजिए कोई person है जिसे वो हमारे जो pesticides के poisonous है उसके control में आ गया है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए,
हमें उस जो एरिया होती है वहां से मूव डाउन होना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो ब्रीथिंग होती है उसे प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए। अगर हमारी ब्रीथिंग स्टॉप हो रही है, उसमें कोई वीक वेरी वीक हो जा रही है, तो हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसे देनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल हेल्प इमिजिएटली प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी हमारे कंट्रोल सेंटर्स होते हैं उन पे कॉल करनी चाहिए। और इसके अलावा जिस पेस्टिसाइड्स की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, उस पेस्टिसाइड का नेम, उसके इंग्रेडिएंट एंड उसका जो पीसीपी एफ नंबर है वो हमें बता देना चाहिए। तो ये और उसके अलावा जो भी डॉक्टर्स हमें इंस्ट्रक्शन दे उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। और जो भी डॉक्टर्स और जो पेशेंट्स हो उसको जल्दी ही से जल्दी नियर बाई हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए अगर कोई पर्सन जो पेस्टिसाइड के पॉइजन है उसके कंट्रोल में होंगे, उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट, कि जो हमें अपने क्लॉथ्स को या इक्विपमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वेयर द प्रोटेक्टिव क्लॉथ एंड इक्विपमेंट टू मिनिमाइज द एक्सपोजर ऑफ टू पेस्टिसाइड्स। रिमेम्बर टू वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट ड्यूरिंग मिक्सिंग एंड लोडिंग एप्लीकेशन एंड क्लीनअप। देखिए जितने भी अगर हम तो जब भी हम एक पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हो तो हमें बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव क्लॉथ यूज करने चाहिए। इसके अलावा जो भी हम इक्विपमेंट लें या फिर जो हमारे क्लॉथ्स हों तो उनको हमें बहुत अच्छी तरह बहुत उनके उनका जो पेस्टिसाइड्स हैं उसके एक्सपोजर में आना बहुत कम होना चाहिए। मतलब अगर कोई इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि वो उस पेस्टिसाइड से कॉन्टेक्ट में ना आए। इसके अलावा जितने भी सेफ्टी के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको हमें फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज वियर द कवरलेप, वाटरप्रूफ बूट, वाटरप्रूफ ग्लव्स एंड प्रॉपर हैट्स। यू मे ऑल्सो नीड टू वियर आईज एंड फेस प्रोटेक्शन, रेस्पिरेशन, वाटरप्रूफ एप्रिन, वाटरप्रूफ पैंट्स एंड जैकेट्स। द इक्विपमेंट यू वर डिपेंड ऑन पेस्टिसाइड्स एंड टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, therefore follow the safety recommendation on the pesticide label। देखिए आप जो भी जितने भी आप अगर आपको पेस्टिसाइड्स का यूज करने जा रहे हैं तो आपको वाटरप्रूफ बूट्स पहनने चाहिए, वाटरप्रूफ ग्लव्स यूज करने चाहिए, प्रॉपर हेड यूज करनी चाहिए। इसके अलावा अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ग्लासेस यूज कर सकते हैं। आपको वाटरप्रूफ एप्रन यूज करना चाहिए, पैंट यूज करनी चाहिए, जैकेट्स यूज करनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी आप इक्विपमेंट यूज करने जा रहे हैं वो इक्विपमेंट आपको पेस्टिसाइड्स के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। और जिस कितनी देर वो यूज करना है, किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है और किस पेस्टिसाइड के अगेंस्ट हम वो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, अब हम बात करते हैं कवरल्स की। कवरल्स क्या है? अब हम बात करते हैं कवरल्स। कवरल्स क्या है? वियर द क्लॉथ, वियर द लॉन्ग स्लीव कवरल्स ओवर फुल्ली लेंथ पैंट एंड लॉन्ग स्लीव शर्ट। मेक श्योर द कवरल्स आर क्लोज्ड एट द नेकलाइन एंड वेस्ट। Remove your coveralls as soon as you have finished your pesticides activity. Remove them immediately if they become wet. Throw with pesticides. Wear waterproof clothing if you might get wet during the pesticides application. Some disposal covering are suited for pesticides use. Check with your supplier to see which one can be used for pesticides application. When removing the disposal coverall, take care not to be contaminated thus inside if you will wear them again. Between wearing the hang them in as well ventilated area away from other clothing. Dekhiye. अगर जब भी आप पेस्टिसाइड्स का यूज करने जा रहे हो तो क्या करें, आप प्रॉपर तरीके से कवरल्स का यूज करें।
जब भी आप पेस्टिसाइड्स की एक्टिविटी को फिनिश कर रहे हो तो आप उसे इमीडिएटली उतार के रखते हैं। इसके अलावा जब भी आप उसको यूज करने जा रहे हो तो अगर वो इमीडिएट अगर वो वेट है, वेट हो चुका है या फिर वाटर प्रूफ, अगर वो वाटर प्रूफ नहीं है, वो वेट हो चुका है, मतलब गीला हो चुका है, ड्राई वेट हो चुका है, तो आप उसे प्रॉपर तरीके से उतारे। उतारने के बाद उसे उसे ड्राई होने के लिए रखते हैं। इसके अलावा आप ये देखें जो भी अनयूजेबल हो उसे प्रॉपर तरीके से आप उसे डिस्पोज करें, ऐसे कहीं नहीं फेंकते। जब भी आप अपना जो कवरेज है उसे उतारे तो आप ये देखें कि उतारने के बाद उसे कहीं ऐसे कंटामिनेटेड एरिया में ना रखते। तो ये सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लव्स, कि ग्लव्स का हम यूज कैसे करें। ऑलवेज वियर द ग्लव्स व्हेन हैंडलिंग द पेस्टिसाइड्स। मेनी ग्लव्स मटेरियल आर अवेलेबल। यूज अनलाइंड वाटरप्रूफ ग्लव्स अनलेस द पेस्टिसाइड्स लेवल रिकमेंडेड आर स्पेशल मटेरियल्स। डू नॉट यूज मेड ऑफ लेदर क्लॉथ नेचुरल रबर ग्लव्स विद क्लॉथ लाइनिंग। मेक श्योर द ग्लव्स डू नॉट हैव होल्स एंड लीक्स। कीप योर कवरल्स स्लीव्स ओवर द ग्लव्स एंड फोल्ड डाउन द टॉप ऑफ द ग्लव्स टू मेक स्कफ। वॉश योर ग्लव्स बिफोर रिमूविंग देम एंड आफ्टर ईच यूज। देखिए आप जब भी पेस्टिसाइड्स का यूज करने जा रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से ग्लव्स यूज करें, और जो ग्लव्स हमारे होते हैं वो स्पेसिफिक मटेरियल्स के बने होते हैं, उन्हीं का हमें यूज करना चाहिए। जो लेदर के, क्लॉथ्स के, क्लॉथ्स के नेचुरल रबर के ग्लव्स होते हैं उनका हमें यूज नहीं करना चाहिए। मेक श्योर मतलब देखिए जब भी आप ग्लव्स यूज कर रहे हैं तो आपके अंदर ये श्योरिटी होनी चाहिए कि उसमें कोई लीकेज तो नहीं है, उसमें कोई होल्स तो नहीं है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी चाहिए, जो इतने प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और जब भी आपने ग्लव्स यूज किए हैं, ग्लव्स यूज करने के बाद उसे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए और अपने हैंड्स को प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट बूट्स की बात करते हैं। वियर वाटर प्रूफ अनलाइंड नी हाई बूट्स टू रबर एंड न्यूप्रिन व्हेन यू लोड मिक्स एनी पेस्टिसाइड्स। Wear your pant leg outside the boots. Do not wear boots made of leather and fabric. Wash the outside of boot each after each use. देखिए आपको जो used pant, जो आपको high knee के boots use करने चाहिए जब आप pesticides की mixing या उसे apply कर रहे हो। इसके अलावा आपको leather और fabric के use नहीं जो हमारे बूट्स होते हैं वो यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप बूट्स को यूज करें तो उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करें। तो ये हमारे प्रिकॉशंस होते हैं जब हम बूट्स के लिए लेने चाहिए। नेक्स्ट ग्लासेस एंड फेस शील्ड्स। वियर ग्लासेस इफ यू चांस टू गेट पेस्टिसाइड्स स्प्रे डस्ट इन योर आईज। डू नॉट यूज ग्लव्स विद क्रॉस एंड फॉर्म हैंड वेट। Do not wear contact lenses when handling pesticides. Face shield provide extra protection when mixing and loading toxic pesticides. Wash gloves and face shield after use. देखिए अगर कोई भी पेस्टिसाइड है जिसको आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप उसको आपको अपनी आंखों पे ग्लव्स पहनने चाहिए। इसके अलावा जो भी आप ग्लव्स यूज कर रहे हैं वो जितने भी आप ग्लव्स यूज करें वो आपके क्लॉथ और फॉर्म हैंडेड नहीं होने चाहिए। इसके आपको कॉन्टेक्ट लेंस का भी यूज नहीं करना चाहिए जब आप पेस्टिसाइड की हैंडलिंग कर रहे हैं तो आपको कॉन्टेक्ट लेंस यूज नहीं करना चाहिए। आपको अपनी आईज को प्रॉपर जब भी आप फेस शील्ड या फिर गॉगल्स का यूज कर लें तो उसके बाद आपको उनका प्रॉपर तरीके से वॉश करने के लिए अनकंटामिनेटेड एरिया में रखना चाहिए। नेक्स्ट हैट्स एंड एप्रिन। वियर अ वाटरप्रूफ हैट्स व्हेन पेस्टिसाइड्स मे बी इस प्लेस्ड एंड और वेयर और व्हेन यू कुड बी एक्सपोज्ड टू ड्रिप। वियर अ वाइड ब्रिम्ड वाटरप्रूफ हैट्स व्हेन यू विल गेट वेट विद स्प्रे। Do not wear the vessel wall
कैप्स फैब्रिक हेड्स हेड्स विद लेदर क्लॉथ इनर बैंड्स। आपको जब भी पेंसिल का यूज करें तो आपको प्रॉपर तरीके से हेड्स यूज करने चाहिए। कोशिश करें कि जो आप हेड यूज कर रहे हैं वो वाटरप्रूफ होनी चाहिए। जो भी हमारी फैब्रिक की हेड्स वगैरह होती है, लेदर की हेड्स होती हैं, उनका हमें यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एप्रिन, वेयर द वाटरप्रूफ एप्रिन व्हेन यू प्योर मिक्स इन द कंसंट्रेटेड पेस्टिसाइड्स। जब भी आप कंसंट्रेटेड पेस्टिसाइड्स को मिक्स कर रहे होते हैं तो आपको वाटरप्रूफ एप्रिन भी यूज करना चाहिए। तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि जब कोई भी पर्सन पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको कौन कौन से पेस्टिसाइड के कांटेक्ट में ना आने के लिए उसे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज करना चाहिए। प्लीज फॉलो ITLS Academy ऑन Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn एंड also get it on Google Play Store. थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ITLS Academy। थैंक यू।